हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक सिस्टम कि कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप रहती है, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, और ध्यान दो कंज्यूमर सॉरेंटी में होता है, कंज्यूमर के पास चॉइस ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्लेयर ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए लोग प्रोडक्ट बनाने वाले ज्यादा रहते हैं, कंज्यूमर के पास चॉइस ज्यादा रहती है, इसलिए कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं बाय बाय प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म होता है कि प्राइस को सेट करना, ठीक है, कि हम डिमांड और सप्लाई के बीच क्या करते हैं, प्राइस को सेट करते हैं। इसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। सोशलिस्ट में क्या होता है कि जो ये प्रोडक्शन होता है, ये कंट्रोल या ओन किसके थ्रू किया था, गवर्नमेंट के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहता क्योंकि सरकार का कंट्रोल रहता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर किसी लिए रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम जो सॉल्व है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, या फिर इसको हम सेंट्रल प्लान के नाम से भी जानते हैं।